पीएम मोदी के विरोधी प्लानिंग करते रह गए कि भैया क्या करें क्या करें, और पीएम मोदी ने 75 डे हार्ड का एक बहुत ही बढ़िया प्रपंच उठाकर सोशल मीडिया पर मार दिया। 75 डे हार्ड यदि अभी तक आपको नहीं पता है तो जाहिर सी बात है आप सोशल मीडिया पर काफी कम एक्टिव रहते हैं, ऐसा मैं मान सकता हूँ। अंकित भानपुरी, पिछले कुछ समय में ये व्यक्ति जो कि फिटनेस को लेकर काफी सजग है और देसी तरीके से फिटनेस को बनाकर रखा हुआ है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से इसके 75 डे हार्ड का चैलेंज पूरा हुआ, मतलब 75 दिनों तक इन्होंने एक पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया, वो जैसे ही चैलेंज पूरा हुआ सडनली सोशल मीडिया पर ये एक्सप्लोड हो गए, हर जगह पर ये नजर आने लगे, हर कोई इनके साथ अपने पोस्ट शेयर करने लगा और तरह तरह की बातें करने लगा। और नरेंद्र मोदी जी ने या यूं कहें सोशल मीडिया उनकी जो टीम है उसने महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती के ठीक पहले स्वच्छता अभियान को लेकर जो पूरा इस समय कार्यक्रम चल रहा है आज 1 अक्टूबर को, उसमें अंकित भानपुरिया के साथ में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन करवा दिया नरेंद्र मोदी के साथ, उन दोनों का मतलब नरेंद्र मोदी और अंकित का एक वीडियो जारी करके। इस वीडियो में दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि मोदी जी पूछते हैं कि भैया ये जो आप वर्जिश करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, इसका क्या हम लोग यूज कर सकते हैं स्वच्छता अभियान में। दोनों में काफी अच्छी और बातचीत हुई इन दोनों की। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने यहाँ पर देखा कि आखिर किस तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन के लिए आज की तारीख में सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है। आप मोदी जी के समर्थक हो या ना, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी भैया कि ये है तो सही एक मास्टर स्ट्रोक। मतलब इस समय अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो पुनीत सुपरस्टार को अगर छोड़ दें तो शायद सबसे ज्यादा वायरल और सही तरीके से सबसे ज्यादा वायरल, सही काम करके सबसे ज्यादा वायरल अंकित भानप्रिया ही। और उन्होंने यहाँ पर जो काम किया, मतलब फिटनेस को लेकर काम कर रहे हैं, बहुत देसी तरीके से अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, और जिस तरीके से उनकी भाषा शैली है, जिस प्रकार से वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन सभी चीजों के काफी लोग, काफी यूथ उनके उनको पसंद करता है और उनसे इन्फ्लुएंस भी होता है। आज की तारीख में आप देखेंगे लोग भले उनका मजाक उड़ाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग इसी प्रकार के वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ वीडियो बनाने के लिए ही सही, लेकिन कम से कम धर्म के प्रति थोड़े बहुत जागरूक तो हो रहे हैं, अपनी बॉडी को लेकर तो जागरूक हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए तो भैया नरेंद्र मोदी जी और उनकी सोशल मीडिया टीम ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। यहाँ दूसरे विपक्षी दल लगातार लगे हुए थे कि मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी वो करेंगे, क्योंकि अभी यूट्यूब फैन फेस्ट के दौरान जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक वीडियो डाला था जिसमें कि उन्होंने फैन फेस्ट को एड्रेस किया था और फेलो यूट्यूबर्स कहकर बात करी थी कि हम भी एक यूट्यूबर ही हैं, तब कई लोगों ने कहा कि मोदी जी जो है ये यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं लेकिन देखो राहुल गांधी के सामने ही ये तो खड़े नहीं हो पा रहे। अब ऐसे बुद्धिजीवियों को कौन बताए कि सोशल मीडिया की दुनिया एक अलग दुनिया है और पॉलिटिक्स एक अलग दुनिया है। आपका राजकुमार जो कि पॉलिटिक्स में अभी तक पैर नहीं जमा पा रहा है, सोशल मीडिया पर हो सकता है अच्छा कर रहे, उसको करना भी चाहिए। जो व्यक्ति जहां अच्छा कर रहा है उसको वहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं चुनाव जीत कर भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। भाई एक बार आप चुनाव हार रहे हो समझ में आता है, दो बार हार रहे हो समझ में आ रहा है, लेकिन आप लगातार हार रहे हो ये थोड़ा सा हजम नहीं हो पाता। तो ऐसे में यहाँ पर मोदी जी को भी शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने क्या कोलैबोरेशन किया है। बाकी आप लोग मुझे बताइए आप लोगों का इस कोलैबोरेशन के बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो के लिए इतना ही, जय जय मां।